नमस्कार, मैं हेमंत और आप देख रहे हैं सीएन 24। रुक कर लेते हैं अभी तक के अहम खबरों पर। क्या होगा जब एक तरफ अजय योद्धा तो दूसरी तरफ युद्ध आइकन आपस में टकराएंगे? तो स्वाभाविक सी बात है, इस सीट पर गहमा गहमी का माहौल होना लाजमी है। सारंगढ़ की रणभूमि नगरी निकाय चुनाव में वार्ड क्रमांक 8 में बीजेपी और कांग्रेस की ओर से चुनावी मैदान में उतारे गए प्रत्याशी जीत के लिए एड़ी चोटी जोर लगा रहे हैं। आखिर क्यों है यह वार्ड खास, देखिए इस खास रिपोर्ट माहौल गरम है में। सारंगढ़ नगर पालिका चुनाव में वार्ड क्रमांक 8 और 9 को सबसे ज्यादा हॉट सीट माना जा रहा है। हॉट सीट इसलिए क्योंकि इन दोनों वार्डों में भाजपा के अजय योद्धा चुनाव लड़ रहे हैं। अजय योद्धा इसलिए क्योंकि पिछले 10 वर्षों से वार्ड क्रमांक 8 और 9 में भाजपा जीत का झंडा गाड़ते आ रही है। चलिए फिलहाल आज हम वार्ड क्रमांक 8 की बात कर लेते हैं। वार्ड क्रमांक 8 से भाजपा के तरफ से मनोज जायसवाल को प्रत्याशी बनाया गया, जो पिछले 10 साल से इस वार्ड में पार्षद है। मनोज जायसवाल को उनके व्यवहार और उनके काम के लिए जाना जाता है। बताया जा रहा है कि मनोज जायसवाल अपने वार्ड में काफी सक्रिय रहते हैं और वार्ड वासियों के काम से लेकर वार्ड में नाली साफ सफाई हो या पानी की समस्या या फिर लाइट की समस्या, मनोज जायसवाल 24 घंटे अपने वार्ड वासियों के लिए उपलब्ध रहते हैं। साथ ही उनकी एक खासियत ये भी बताई जा रही है कि वो वार्ड में जो भी काम हो वो स्वयं उस काम को वहां खड़ा होकर करवाते हैं। ये निरंतर 10 वर्षों से मैं अपने वार्ड का सेवा कर रहा हूँ मैं, और मेरा वार्ड मेरा परिवार है। अब परिवार में जिस सदस्य के रूप में अपन काम करते हैं, पूरा मेरे को विश्वास है कि मेरे वार्ड में मेरे को पूरा समर्थन मिलेगा। मुद्दा क्या है जो ये क्या मुद्दा लेकर जा रहे हैं, क्योंकि आप 10 वर्षों से वार्ड में पार्षद रह चुके हैं? इसमें क्या है, मूलभूत जो सुविधा रहती है, मूलभूत सुविधा को लगातार अपन पूरा प्रयास के साथ कर रहे हैं, वैसा मूलभूत सुविधा को करेंगे। रही बात विकास की, बात अभी चुनाव दृष्टि को देखते हुए विपक्ष के द्वारा दो साल से अपने जो भाजपा के जो कई वार्डों हैं उसमें काम को रोक दिया गया। 5 करोड़ का काम है और कई तरह का विकास कार्य के लिए मांगा गया है, लेकिन ऐसा हुआ कि मेरे वार्ड नंबर 8 में 1 रुपये का काम नहीं दिया गया ताकि इसको टारगेट किया जाए। ऐसा टाइप का दुर्भावना से ये लोग काम किए हैं ताकि चुनाव में अपन को लाभ मिल पाए। कहीं तुर्की तालाब गार्डन है, अपने नगर के एकमात्र गार्डन है। मेरे द्वारा कलेक्टर के पास भी गया हूँ मैं, जनदर्शन में दिया हूँ मैं, क्या बैठक में भी विषय में ला के कई बार किया गया है, लेकिन जानबूझकर इसको ध्यान दिया नहीं गया है। नगर में तो आपकी सरकार थी, उसके बाद भी आ सकते हैं? सरकार अपनी है, शासन तो कांग्रेस की है ना। अगर वो स्थिति में है तो दिखता, अगर वही अगर रहता तो इसमें जो 5 करोड़ का काम आया उसमें वार्ड नंबर 8 का तो छूटता नहीं काम। एक तो काम आता, 1 लाख रुपए का काम रहता, 1000 का काम रहता, क्यों छोड़ा गया वार्ड नंबर 8 को? जानबूझ के इसलिए टारगेट करके छोड़ा गया है ताकि मुद्दा बना के उसमें मैदान में लड़ा जा सके। मतलब आपको 2 साल से पहले से टारगेट किया जाए? 2 साल पहले से टारगेट वार्ड को किया जाए, मेरे को ही नहीं, भाजपा के जो कई हैं वार्डे हैं उसमें अगर नगर पालिका का रिकॉर्ड देख लीजिए, विकास कार्य का जो आपके पास जो 5 करोड़ का है, 3 करोड़ का है, जो विषय सूची है, विशेष सूची को देख लीजिए कि कहाँ कहाँ किस किस वार्ड में काम है। एक वार्ड में आपको देखने को मिलेगा कि 50 लाख का काम है, 30 लाख का काम है। क्या मेरे वार्ड में नहीं रहते हैं? क्या मतदाता नहीं रहते हैं? क्या तुर्की तालाब गार्डन में आदमी लोग नहीं जाते हैं, नागरिक नहीं जाते हैं, 15 वार्ड के नागरिक नहीं जाते? क्यों उसमें किया गया भेदभाव? ये जानबूझ कर भेदभाव किया गया है ताकि चुनाव में उसको मुद्दा बनाया जाए, किया जाए। हम तो बोलते हैं कि वार्ड में अगर किसी नागरिक से पूछा जाए कि काम कैसा है, बकायदा उसका जवाब उनसे मेरा मिल जाएगा उसमें। वही कांग्रेस ने भाजपा के इस अजयगढ़ को तोड़ने के लिए वार्ड क्रमांक 8 में अभिमन्यु के रूप में शुभम वाजपेयी को मैदान में उतारा है। शुभम वाजपेयी की खासियत यह है कि वो लोगों के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं, चाहे जनताओं का कोई भी काम हो उसे पूरी ईमानदारी और सक्रियता के साथ करते हैं। और सबसे बड़ी बात, शुभम वाजपेयी युवाओं के यूथ आइकॉन है। शुभम वाजपेयी हमेशा सारंगढ़ के हित में काम करते नजर आते हैं, चाहे जिला निर्माण की मांग हो या फिर सारंगढ़ की बदहाल सड़कों की मरम्मत के लिए आवाज उठाना, वो हमेशा सबसे आगे रहे हैं। शुभम वाजपेयी ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि मुझे एक बेटे के रूप में जनताओं का आशीर्वाद मिल रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि
इस बार वार्ड क्रमांक 8 की जनता मुझे भारी मतों से विजयी बनाएंगी। वहीं उन्होंने वार्ड क्रमांक 8 के भाजपा प्रत्याशी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक पार्षद अपने वार्ड के जनताओं के लिए हर तरह से मदद करने के लिए सक्षम होना चाहिए, न ही कि सिर्फ नगर पालिका का। उन्होंने आगे कहा कि वार्ड क्रमांक 8 में स्थित तुर्की गार्डन की क्या दुर्दशा हो चुकी है, इस बात से हम सभी भलीभांति वाकिफ है। इस गार्डन में सिर्फ वार्ड के ही लोग नहीं बल्कि पूरे सारंगढ़ क्षेत्र की जनता अपना अमूल्य समय बिताने आती है, लेकिन ना तो वहाँ लाइट की व्यवस्था है ना ही साफ सफाई की। गार्डन में लगे कई झूले भी टूट गए हैं, लेकिन वार्ड पार्षद इन सब चीजों में ध्यान नहीं देते। उन्होंने आगे कहा कि अगर मुझे जनताओं का आशीर्वाद मिलता है और मैं जीत कर आता हूँ तो मैं मेरे वार्ड के जनताओं के लिए सिर्फ नगर पालिका ही नहीं बल्कि हर विभाग में उनके हक की लड़ाई लड़ता रहूँगा। चुनाव प्रचार तो बहुत बेहतर स्थिति में है, लगातार यहाँ पे दो बार से पार्षद बनते आ रहे हैं। पूर्व पार्षद के प्रति जो एंटी इनकम्बेंसी है वो देखने को मिल रही है, साथ ही साथ जनता का प्यार और आशीर्वाद बदलाव की ओर है। जैसे कि एक तुर्की गार्डन आप लोग बहुत समय से देखते आ रहे होंगे कि पहले वो किस अवस्था में था, अभी किस अवस्था में हो गया है। लोग वहाँ पर सिर्फ इस वार्ड के लोग नहीं, इस वार्ड के अलावा पूरे सारंगढ़ के लोग वहाँ पे अपने बच्चों के साथ घूमने फिरने आते थे और वहाँ पे कई स्थिति अभी पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है। अगर हम जीत कर आते हैं तो सबसे पहले तो तुर्की गार्डन की स्थिति सुधारेंगे, दूसरा चीज़ बिजली पानी और सड़क जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो पूरी सुविधाएं जनता को जहां पर जैसी आवश्यकता होगी उसको उपलब्ध करवाने की हम कृपा करेंगे। साथ ही साथ एक और चीज़ है, जनता जनप्रतिनिधि को इसलिए नहीं चुनती क्योंकि उनको सिर्फ नगर पालिका में काम होता है। जनप्रतिनिधि इसलिए चुना जाता है कि सभी विभागों में एक जनप्रतिनिधि जो उनका काम करवा सके, ऐसे जनप्रतिनिधि की आवश्यकता होती है। और हम जनता से वादा करते हैं कि सभी विभागों में उनके जो भी काम अटके रहेंगे, जो भी काम उनका होना चाहिए अगर नहीं हो रहा होगा, उन सभी कामों को हम करवाने के लिए तत्पर रहेंगे। जनता बिल्कुल हम जैसे कि आपको पता है कि हम युवा हैं और युवाओं को जनता ज़्यादा से ज़्यादा मौका देना चाहती है, तो जनता हमें भी मौका देने के लिए तैयार है। और जनता चाहती है कि हम जीत के आएँ और उनके लिए जहाँ पे संघर्ष करना पड़े वहाँ पे संघर्ष और जहाँ पे शासन की योजनाओं का लाभ दिलवाने का काम हम कर सके, ये जनता चाहती है। जैसे कि नेता नहीं बेटा चुनो जो हमारा नारा है, कि हम जैसे वार्ड मेंबर वार्ड का मतलब घर का सदस्य बन के हम काम करेंगे और लोगों के घर घर तक हम सारी सुविधाएं पहुंचाएंगे जो जो शासन द्वारा दी जाएगी। इसीलिए हम लोगों का नारा है नेता नहीं बेटा चुनो। उनके हर सुख दुख में, जैसे अस्पताल की बात करें, अगर किसी को अस्पताल में कोई काम पड़ गया तो उनके भी सुख दुख में हम खड़े होंगे। और विभिन्न प्रकार की समस्याएँ होती हैं जिसके लिए हर कोई अपने बेटे को विशेष रूप से याद करता है, वो चाहता है कि उसका बेटा आए और वो काम करवाए। तो हम उसी तरीके से घर के सदस्य बन के हम काम करेंगे और उनके बेटे की तरह काम करेंगे। हम मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से परिवर्तन होगा और हम इस वार्ड को कांग्रेस पार्टी को जिता के देंगे, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा। वहीं भाजपा प्रत्याशी मनोज जायसवाल ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे पिछले 2 वर्षों से टारगेट किया जा रहा है, मेरे वार्ड में 2 वर्षों से एक भी काम नहीं दिया गया और ये दुर्भावना चुनाव को ही लेकर किया गया। रही बात तुर्की गार्डन की, तो मैं तुर्की तालाब के लिए जिला कलेक्टर के जन दर्शन से लेकर पालिका के बैठक में तुर्की गार्डन का मुद्दा रखा, लेकिन मुझे कहीं से भी मदद नहीं मिली। उन्होंने आगे कहा कि नगर पालिका में 5 करोड़ का काम आता है, लेकिन मेरे वार्ड को 1000 का भी काम नहीं दिया जाता है। आप किसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मुझे कांग्रेस द्वारा कैसे टारगेट किया गया है, जबकि कई वार्डों में 30 से 40 लाख तक का काम दिया गया है। उन्होंने आगे कहा, मेरे वार्ड को परिवार की तरह मानता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे वार्ड की जनता मुझे एक बार फिर आशीर्वाद देकर भारी मतों से विजयी बनाएगी। फिलहाल देखना ये लाजमी होगा कि वार्ड क्रमांक 8 की जनता इस बार किसे आशीर्वाद देकर जीत की विजयी तिलक लगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ACN 24।